सच के साथ। ब्लड बैंक में रक्त की भारी कमी को देखते हुए हिंदू युवा वाहिनी की वाराणसी इकाई ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 49वें जन्मदिन पर मंडलीय अस्पताल कबीर चौरा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कोरोना महामारी को देखते हुए शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए रक्तदान किया गया। इस आपदा के समय में भी रक्तदान के लिए रक्तवीर सामने आए। पहले दिन 150 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। रक्तदान शिविर का आयोजन हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी व वाराणसी विकास प्राधिकरण मान्य सदस्य अम्बरीश सिंह भोला के नेतृत्व में हुआ। इस दौरान महानगर मंत्री रुद्र पांडे ने बताया कि रक्तदान को लेकर युवा जागरूक हो रहे हैं। पिछले वर्ष भी हिंदू युवा वाहिनी के रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। बड़ी बात यह है कि इस साल वैक्सीन के बाद भी रक्तदान करने के लिए युवा आगे आ रहे हैं। उन्होंने सभी रक्तवीर के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस महामारी के समय में जो भी रक्तवीर रक्तदान करने के लिए सामने आ रहे हैं, ये उनके सामाजिक दायित्वों के नजरिए को दर्शाता है। इस मौके पर मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश जायसवाल, महानगर उपाध्यक्ष सुनील कुशवाहा, अश्वनी गुप्ता, आकाश पटेल, विवेक सेठ, आकाश पटेल, अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। कोरोना काल कोविड की वजह से रक्तदान बैंकों में रक्त की कमी हो गई थी और हम लोग रक्तदान करने के लिए अभी जो है 5 तारीख को हमने लौराबीर में आईएमए ब्लड बैंक में किया और फिर मुझे पता लगा हम सभी को कि कबीर चौरा हॉस्पिटल में भी ब्लड की और बहुत आवश्यकता है मंडलीय अस्पताल कबीर चौरा में। तो हम लोग हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता बंधु कबीर चौरा हॉस्पिटल मंडलीय अस्पताल वाराणसी यहाँ पे भी हम लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। सच के साथ।